हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जिस सबकी आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। सो जैसे कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूँ, मेरी एक 16 मंथ की बेटी है एंड अगेन आई एम प्रेगनेंट। सो मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी और जो मेरी अभी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ। और मैं बता दूं कि मेरा ये सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है अभी। तो कुछ लोगों का इंस्टाग्राम पे मुझे ये क्वेश्चन था, बेबी जल्दी क्यों प्लान कर लिया। तो एक पहली बार तो ये क्वेश्चन ही मुझे बेफालतू का लगा, बट फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा कि एक आंसर देना तो बनता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये पूरी तरह से हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। और मुझे सच बताऊँ तो अभी तक अपनी लास्ट पीरियड डेट याद नहीं है। जो डॉक्टर ने मुझे बताया, मैं बस उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। और दूसरी बात, आप लोगों ने, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से आप लोग मुझसे जुड़े हो, तो मेरा मार्च में गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो जब मैं उस टाइम मैं अपनी ससुराल गई थी ऑपरेशन करवाने के लिए, तो ससुराल गई थी तो वहाँ पर गांव में मेरी सासू माँ जो थी ना, उनसे गांव की कुछ लेडीज़ वगैरह ने ये बोल दिया था कि ये गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद बच्चे वगैरह नहीं होते हैं। तो उनके दिमाग में वो चीज़ घर कर गई थी कि अभी तो एक ही बेटी है और आगे और बच्चे क्या नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो मेरी सासू माँ ये बोल रही थी कि पहले एक और बेबी कर लो, उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाना। बट अंशी के पापा ने बोला कि जब ये रहेगी नहीं तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे, ये होगी तो बच्चे हो जाएंगे। तो फिर जैसे तैसे फिर मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया। फिर मार्च में मैं गई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था मार्च अप्रैल। फिर जून में मैं वापस आ गई थी। फिर शायद अगस्त में मुझे दोबारा से कंसीव हो गया था। तो जब मैंने अपनी सासू माँ को बताया, तो सच बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा खुश वही हुई थी, क्योंकि उनको अंदर से ये था कि पता नहीं अब होगा या नहीं होगा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उन्होंने फिर बोला कि सबकी ब्लेसिंग्स थी, कोई नहीं चाहता था कि हम लोग दवा वगैरह खाएँ, और हम लोग खुद नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी जब शादी हुई थी उसके बाद हमने भगवान से बोला था कि हमको चाहे भले ही कितना भी लेट देना, बट एक बार में देना, हम वो सब चीज़ें फेस नहीं करना चाहते कि मिसकैरेज वगैरह कुछ भी ऐसा हमने ना देखा है और ना हम देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन मत किया करो कि आपने क्यों कर लिया। हर चीज़ का एक टाइम होता है, इसका भी अपना टाइम था, तो आ गया वो अपने टाइम पर, तो भगवान ने भेजा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हमको भगवान ने खुशी खुशी दे दिए, फर्स्ट चांस दी है, सेकंड भी अपनी खुशी से दे दिया। और उन लोगों से पूछो कि जिनको मांगने के बाद में नहीं मिलता, और हम लोग अब बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने माइंड चलाया था कि नहीं यार, लोग क्या सोचेंगे और इतनी जल्दी क्यों, ये वो, मुझे खुद के लिए भी टाइम चाहिए। बट मैंने कहा नहीं यार, दो बच्चे करने हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। सो मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी के बीच आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या क्या फेस करना पड़ा, और अभी मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या क्या फेस कर रही हूँ, और दोनों में से मेरे लिए कौन सी हार्ड रही और कौन सी थोड़ा ईजी जा रही है, तो वो सब मैं आपके लिए डिस्कस करूँगी। और हाँ, मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी जेंडर प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरी इस वीडियो का मतलब लड़के या लड़की से है। बस जस्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए थे कि भी आप अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में शेयर करो कि दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, तो बस मैं एक नॉलेज के लिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और ये ज़रूरी भी नहीं है जो सिम्टम्स मेरे साथ हैं वो आप लोगों के साथ भी हों, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस हो जाते हैं। सो होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय करोगे। और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स भी करे हैं कि मैं भूल जाऊँ तो याद करने के लिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो चलो शुरू करते हैं मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से। सो मुझे पता कैसे चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो सबसे जो पहले मुझे सिम्टम्स हुए थे, जो मेरी डॉटर के टाइम पे हुए थे, तो मुझे है ना ऐसा वीकनेस सा और अंदर से ना ठंड सी लगती थी मुझे। स्टार्टिंग में फीवर सा रहता था, फीवर मतलब फीवर भी नहीं बोलेंगे, बट मुझे ऐसा ठंड सी लगती रहती थी हमेशा।
तो मैं इनको बोलती थी कि देखना मुझे फीवर है ऐसे करके, बट फीवर नहीं था, वो बस अजीब सा मेरे को ठंड लगती थी और थोड़ा सा वीकनेस होती थी और हमेशा सोने का मन करता था। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरे को लगता था कि शायद हो सकता है मे बी आई एम प्रेगनेंट, बट कन्फर्म नहीं था। पीरियड मिस होने से 5 डेज पहले मैंने चेक किया तो पॉजिटिव आया, तो फिर मैं कंफर्म हो गई कि हाँ। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कंफर्म किया कि यस यू आर प्रेग्नेंट। सो अब बात कर लेते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी। जो कोरोना वैक्सीन थी उसका फर्स्ट डोज लेने के बाद मुझे फीवर वगैरह आया, तो फिर मैं सोची थी शायद हो सकता है कि मे बी मुझे उसी वजह से फीवर आ रहा हो। तो 2-3 दिन फिर उसके बाद वो नहीं जा रहा था, मेरे को बॉडी में ऐसा लग रहा था कि मुझे फीवर है फीवर है। मैंने इनको बोला कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, फिर मेरे को थोड़ा सा होने लगा था। मैंने इनको बोला कि मे बी आई एम प्रेग्नेंट, बट कंफर्म नहीं थी मैं उस टाइम पे, बट हाँ मुझे वैसा ही लग रहा था जैसा मुझे मेरी डॉटर के टाइम पे लगा था कि मुझे बॉडी में फीवर फीवर सा लगता था। तो फिर मैंने चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो गया। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर जो मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हुई ना, बहुत ज़्यादा हुई, एक्सट्रीम लेवल की थी। सेकेंड जो प्रेगनेंसी अभी है इसमें मुझे कोई भी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपेरिजन तो बहुत ज़्यादा स्मूथ गई है अभी तक, बट मुझे जो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं बताऊंगी कि मुझे बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है सेकेंड प्रेगनेंसी को लेके, तो आप लोग बोलोगे कि दी आप इतना सब कुछ कैसे हैंडल कर लेते हो। सो, एक तो हो सकता है कि शायद मे बी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी से शरीर थोड़ा वीक हो जाता है, उसके बाद शरीर उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी में था। सो मे बी हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी से और सेकेंड प्रेगनेंसी में ये हुआ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे स्मेल बहुत आती थी, जैसे कि आटे से, और स्मेल वाली जो चीज़ें थी ना मुझे वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं लगती, नॉर्मल सब कुछ अच्छा लगता है मेरे को। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, यहाँ तक कि अंशी के पापा ड्यूटी चले जाते थे उसके बाद मैं कभी 11:30 पे कभी 12 पे 1-1 बज जाता था। मैं दोपहर में 1-1 बजे तक सोती रहती थी और रात को भी जैसे ही रात हुई कभी 9 बजे 10 बजे तक मैं सो जाती थी। और सेकंड प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा नींद नहीं आती, हाँ थकान की वजह से सो जाती हूँ, बट उतनी ज़्यादा नींद नहीं आती जितना मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपेरिजन उतना नींद नहीं आती मुझे। एंड जो मेरी डॉटर थी उसके टाइम पर मुझे कोई भी क्रेविंग नहीं होती थी खाने पीने की, जो मिल जाता था बस मैं वो खा लेती थी। कोई भी ऐसा मन नहीं करता था कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करता था। और बाहर का तो खाना अगर अंशी के पापा नाम भी लेते देते ना तो मुझे अजीब सा अंदर से लगता था, उल्टी सी आती थी बस, कि मुझे ऑयली बिल्कुल भी पसंद नहीं था उस टाइम पे जब मेरी डॉटर मेरे टम्मी में थी। और इस टाइम पे अब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो इस टाइम पे मुझे बस लगता है कि मैं बाहर का कुछ ना कुछ चटपटा खाती रहूं, टिक्की है, बर्गर वगैरह है और ये कचौड़ी वगैरह ना, बस मन करता है मैं खाती रहूं, बट कोई बनाने वाला हो तब। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मेरा खाने पीने का मन नहीं करता था, सेकेंड प्रेगनेंसी में उसका उल्टा है, मेरा बहुत खाने का मन करता है बट उतना बना नहीं पाती हूँ, बट हाँ मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा टिकटॉक पे कि मैं काफ़ी एक्टिव रहती थी, एक्टिव मतलब एक हैप्पी मूड में रहती थी हमेशा, मेरा मन ना खुश रहता था। और सेकेंड प्रेगनेंसी में है ना पता नहीं सब कुछ अच्छा भी लगेगा ना, बट कुछ करने का वैसे मन नहीं करता कि हाँ मैं रेडी हो जाऊँ या मैं कुछ करूँ, या वैसे एक अंदर से खुशी नहीं होती पता नहीं क्यों। सेकेंड प्रेगनेंसी में गुस्सा आता है मेरे को, पहली बात तो अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में, और मेरा सर दर्द बहुत होता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। सर दर्द कभी नहीं हुआ मुझे, कभी भी नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अंशी के बाद भी कभी नहीं हुआ, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हुआ था। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे कभी कभी इतना सर दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे जब मेरा 3rd मंथ था तब मुझे हल्का हल्का ना ब्राउनिश कलर का ब्लडिंग स्टार्ट हो गया था, जब मेरा 3rd मंथ स्टार्ट ही हुआ था। तो मैं और अंशी पापा बहुत डर गए थे, मुझे लगा था कि कुछ नहीं है हमारे हाथों में अब,
तो हम काफ़ी डर गए थे। तो मॉर्निंग में आंशी के पापा की नाइट ड्यूटी थी, इमरजेंसी में तुरंत ही फिर हम हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोल रहा था सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। सो वो नॉर्मल था हमारे केस में, और वो जो ब्लडिंग थी वो 2 से 3 दिन तक रही थी। बहुत ही लाइट ब्लडिंग थी, मतलब कि 2-3 ड्रॉप्स आता था दिन में, 2-4 बार ऐसे आता था। और सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ काफ़ी स्मूथ जा रहा है अभी तक तो। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो यूरिन प्रॉब्लम था वो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ था, नॉर्मल था मेरा, हमेशा जैसे रहता है वैसा ही था। बट इन सेकेंड प्रेगनेंसी देखा जाए तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब कि मुझे दिन में हर 10 मिनट में यूरिन पास करने जाना ही पड़ता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी जो स्किन थी और जो मेरे हेयर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। सब लोग बोलते थे कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं इस टाइम पे, तो कुछ लोग बोलते थे कि बाल अच्छे होते तो बेटी होगी। अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में देखा जाए तो मेरी स्किन में वो वाला ग्लो नहीं है, और मेरे झाइयाँ भी आ रही हैं थोड़ी बहुत, नोज़ी पे है, अभी नहीं दिख रही होगी, अभी नहीं दिखेगी आपको क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेकअप करके रखा है। और अभी इस टाइम पे मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, एक तो अंशी हुई है, मेरी डॉटर हुई है, उसके बाद से मेरे बाल काफ़ी झड़ने शुरू हो गए हैं, और अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में काफ़ी झड़ रहे हैं। और जो मेरी डॉटर है उसके टाइम में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी मैं, पूरा पूरा दिन पड़ी रहती थी, मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता था, बस जब करता था तभी मैं उठती थी काम करने, अदरवाइज़ मैं लेटी रहती थी, सोती रहती थी, बस दिन रात बस मुझे सोना था, खाना पीना बिल्कुल नहीं खाना था। यही सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं बहुत कम सोती हूँ, एक ये भी कह लो कि अभी मेरी डॉटर हो गई है, मेरी बेटी हो गई है, तो उसकी वजह से मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता आराम करने का। बट कंपेरिजन टू सेकेंड प्रेगनेंसी, मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा एक्टिव हूँ अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में। और सेकेंड प्रेगनेंसी में ना मेरा बीपी काफ़ी लो रहता है, इस वजह से मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हूँ। और वहीं फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बीपी वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोल के बता नहीं सकती, मतलब कि मैं अगर ज़मीन पे बैठ जाती हूँ इस टाइम पे सेकेंड प्रेगनेंसी में तो मैं अपने आप से उठ नहीं पाती हूँ, इस वजह से मैं ज़मीन पे कम बैठती हूँ। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे इस टाइम पे अभी लेफ़्ट लेग में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि मैं उठ के बैठ भी नहीं पाती हूँ, मैं बेड से जब उठती हूँ सुबह उठती हूँ तो मुझे कभी कभी अंशी के पापा के सहारे की ज़रूरत होती है, तो वो मुझे हाथ दे के उठाते हैं, उसके बाद मैं उठती हूँ, तो कभी कभी खुद पे भी तरस आता है कि यार क्या हालत हो गई है प्रेगनेंसी में। बट हाँ, अंशी के टाइम पे इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ़ थी, वॉमिटिंग वगैरह हुई थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ थी, फिर धीरे धीरे वो काफ़ी स्मूथ होती गई थी, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी ये प्रेगनेंसी कब पूरी हो गई। बट मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है इसमें बस मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, अदरवाइज़ सब कुछ हो गया है। इसमें अपनी मम्मी को बताया था ना, जैसे कि मेरा जो लेफ़्ट लेग है ना ये बहुत ज़्यादा दर्द करता है, मतलब कि ये जो हिप्स है ना यहाँ से मेरा दर्द करता है, ये बैक कमर दर्द मेरे को बिल्कुल नहीं होता, बट जो हिप्स है ना यहाँ से ये अजीब सा ही दर्द होता है, मतलब कि पैर चलने में या पैर को उठा के चलने में ना बहुत दर्द होता है कभी कभी, तो ऐसे कभी कभी ना मैं घसीट घसीट के चलती हूँ, मतलब एक होता है ना सहारे की ज़रूरत होती है, तो कोई डंडा मैं ले लेती हूँ ना तो उस डंडे को पकड़ के चलती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी बोल रही थी, मतलब कि इसको देसी भाषा में शायद खसरा बोलते हैं शायद, इस टाइप का कुछ, मुझे बताना आप लोग कि आपके साइड कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं क्या, और मेरे लेफ्ट लेग में है, और किसको प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम हुई थी कि पैरों में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा वेट हो गया, बल्कि सब बोलते हैं कि इस टाइम तो ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं मालिश भी करके सोती हूँ रात को। और जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरी जो डॉटर थी वो हमेशा राइट साइड में रहती थी, वो हमेशा राइट साइड मुझे फील होती थी, और जो अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है इसमें मुझे बेबी है ना काफ़ी नीचे लोअर को फील होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नीचे फील होता है और लेफ़्ट साइड में फील होता है मुझे ज़्यादा है, इस वजह से मुझे काफ़ी लोअर पेन भी रहता है।
और हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने कच्चे चावल बहुत खाए थे, बहुत ज़्यादा मैंने कच्चे चावल खाए थे। और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मुझे कच्चे चावल खाने का बहुत मन करता है और मैं खाती भी हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता कच्चे चावल में चौक खाने की। अभी कुछ दो चार दिन से मुझे ना चौक की बहुत ज़्यादा लत लगी, कुछ हो जाता है तो अजीब सा रहता है, मूड भी उतना अच्छा नहीं रहता कि हाँ मैं कुछ करूँ। अभी मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ तो मैं अपने मन से करती हूँ कि मेरा किसी चीज़ में तो मैं मन लगाऊँ, और फिर मेरे को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, इसलिए मैं करती हूँ ब्लॉगिंग वगैरह। काफ़ी लोग बोल रहे थे दिया आप रेस्ट करो, तो रेस्ट करूँगी तो फिर मैं रेस्ट ही करती रह जाऊँगी, इसलिए मैं रेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं तो रात के 12:30 हो रहे हैं और अंशे भी सो रही है, क्योंकि दिन में वो इतना टाइम नहीं देती, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दी ये वीडियो बनाना अपनी प्रेगनेंसी सिम्टम्स को लेकर, तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और हाँ, थोड़ा बहुत लंबी हो जाएगी अगर ये वीडियो तो पूरा देखना, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि दी आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मतलब मेरी डॉटर जो थी, उसमें आपकी बेबी की हार्ट रेट क्या थी, और जो अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है इसमें आपके बेबी की हार्ट रेट क्या है। तो जो मेरी फर्स्ट बेबी थी उसकी फर्स्ट जो हमने स्कैन करवाया था तो उसकी हार्ट रेट थी 160, और जो सेकेंड स्कैन करवाया था उसमें 137 थी, और जो उसका थर्ड हुआ था लास्ट में उसमें उसकी थी 135। और जो मेरी अभी सेकेंड प्रेगनेंसी है इसमें जो फर्स्ट स्कैन हुआ था मेरे बेबी का तो उसमें उसकी हार्ट रेट है 169, और जो अभी मैंने कुछ मंथ पहले ही करवाया है 5 मंथ का तो उसमें है उसकी 155। तो ये दो अभी स्कैन है मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी के, एक में है 169 और एक में है 155। अभी एक लास्ट होगा उसका, अभी देखते हैं क्या आता है। और बहुत सारे लोग इससे भी जेंडर प्रेडिक्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले ने जो दिया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इस चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। ये कुछ सिम्टम्स थे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी को लेके, जिनमें कि काफ़ी डिफरेंस है, और दोनों प्रेगनेंसी मेरी काफ़ी अलग है। मेरा जो एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रेगनेंसी में था वो सेकेंड प्रेगनेंसी में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी जहाँ तक मुझे लगता है मेरी काफ़ी स्मूथ चली गई थी, मुझे इतना हार्ड नहीं लगा था। वहीं सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मुझे काफ़ी हार्ड लगने लगी है अब, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये थोड़ा मेरे को टफ लग रही है सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपैरिजन। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो।